अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल का फाउंडेशन का रिव्यू। जी हाँ, पर्पल के फाउंडेशन का रिव्यू। आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कि ये अभी वही लगाया हुआ है मैंने। ये मैं आप लोगों को लगा के भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसकी पैकेजिंग की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, और प्लस इसमें ये इस तरह की बॉटल आती है, प्लेन गया ऊपर से, प्लेन ऐसा। और ये मैंने मंगाया है शेड 04 पर्पल का, जो कि है कि पाइन कॉमरेड लॉन्ग स्टे फाउंडेशन है ये। तो इसमें है टोटल क्वांटिटी 20 ml, और जहाँ तक मैंने इसको लगाया और मैंने ऑब्जर्व किया ये चीज़, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसमें बताती हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है। जजोबो ऑयल है, आलमंड ऑयल है, नेचुरल विटामिन ई है, सारे ऑयल है इसके अंदर, और इंग्रेडिएंट काफ़ी सारे हैं। और मुझे तो फिलहाल अभी ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ है थोड़ा, जब आप ये लगाते हैं ना तो बहुत वाइट लगता है, फिर बहुत वाइट। लेकिन अभी लगा के मुझे 20 मिनट हो गया, तो देखिए मेरी स्किन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि सेटल हो गया है। अभी आप लोग बताना मुझे ये मेरी स्किन के साथ सेटल हुआ है या नहीं। बाकी मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर मैं आप लोगों को नज़दीक से मतलब फेस पर लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है। कभी भी फाउंडेशन लगाने से पहले फेस को मॉइस्चराइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ, पहली बार लगा रही हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये ड्राई मेरे फेस को करेगा या सॉफ्ट रखेगा, मुझे आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ इसलिए मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर चुकी हूँ, और मैंने प्राइमर अप्लाई नहीं किया। सिर्फ मैं आप लोगों को फाउंडेशन लगा के बता रही हूँ कि इसका कवर कितना है, इसका टेक्स्चर कैसा है। तो यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से एक साइड पर अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा था मुझे कि अप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। और इसलिए मैंने ये क्या किया, एक ब्यूटी ब्लेंडर को रख दिया और दूसरे साइड पे मैंने हाथ से अप्लाई करने की कोशिश की। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ना, ये हाथ से अप्लाई इजीली हो गया, और जितना अच्छा मुझे हाथ से अप्लाई किया हुआ लगा है ना, उतना ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जो मैंने ब्लेंड किया वो साइड मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो मैंने फील किया, क्योंकि दिखने में भी है ना मुझे राइट साइड वाला ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, जब मैं लगा रही हूँ तब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये शेड है ना बहुत वाइटिश सा लग रहा है मेरे फेस पे, बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा था। लेकिन ये लगाने के 20 मिनट के बाद मेरा फेस बिल्कुल ही अलग लग रहा था, मतलब एकदम मेरे स्किन से मैच कर गया ये कलर। मतलब सीधा बोलने का ये है कि जब आप ये अप्लाई करोगे तो ये आपके स्किन से बहुत ही ज़्यादा लाइट दिखता है। इसको सेटल होने के लिए 15 से 20 मिनट लगते हैं ये फाउंडेशन को, लेकिन डेली यूज़ के लिए बहुत बेस्ट लगा मुझे ये। हाँ, मैं एक चीज़ इसमें मेंशन करूँगी कि ये फाउंडेशन में पैराबिन है, जिसको भी पैराबिन से प्रॉब्लम है वो ये प्रोडक्ट ना ले। बाकी ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप लोग बताइए अभी मुझे कि वो स्पॉन्ज से लगाए हुआ आप लोगों को बेटर लगा या हाथ से लगाए हुआ आप लोगों को बेटर लगा। मुझे तो हाथ से अप्लाई करने में बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि वो इजीली इवनली स्प्रेड हो रहा था और बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ है। आप डेली यूज में भी आप ये यूज कर सकते हो, बिकॉज ये फाउंडेशन जैसा तो फील नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई क्रीम लगा रहे हैं हम लोग। लेकिन हाँ, फेस दिखने में विजिबल कर रहा है कि हाँ आपका फेस में कुछ फिनिश आई है, एक अलग तरीके की चमक दिख रही है, बिकॉज ऑफ उसमें इतने सारे ऑयल है इस वजह से। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। अगर पसंद आया होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट जरूर कर लेना। ओके, चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय।